It feels really good. It feels great actually, and to be doing this with Aagaaz, because we did this song in the lockdown. And तब हमें एक्चुअली में कॉन्सेप्ट तो था वीडियो का, मगर वी डिडंट नो कि हम कर पाएंगे कि नहीं. तो इसलिए आई थिंक यू नो हमने पहले वो ऑडियो रिलीज़ किया, एंड बाद में नीरज भैया मेड इट पॉसिबल, हम गए शूट किया, एंड इट वॉज रियली रियली नाइस. एंड इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग पोस्ट बिग बॉस, सो पीपल हैव लव्ड द सॉन्ग, सो आई एम होपिंग दे आर गोना लव द वीडियो एज़ वेल. See, I'll be very honest, there's only one thing that I know how to do, and that is singing. So acting abhi filhal to kuch aise matlab dimag mein hai nahi, abhi full focus singing pe rahega mera, and I'm planning on focusing on my Bollywood career. I'm planning on working with a lot of great music composers. Acting maybe aage chal ke, you know, agar hua to hua, but currently it's all about singing. जब जान से मिला, आई गॉट द इंट्रोडक्शन इन माई आगाज स्टूडियो का, जब हमने लॉन्च किया था तो जान हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आया था. दैन मैंने इसको कमिटमेंट किया था कि वी डू टू सॉन्ग्स, और इमिडिएटली लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन में जैसे ही हमको परमिशन मिली तो मैंने गाड़ी उठाई, इसको पिक किया, और मैं बोला यार जान चलो अभी अपन रिकॉर्डिंग करते हैं. देन हमने गाना रिकॉर्ड किया, देन काफ़ी उसकी हमने मार्केटिंग की. ऑडियो रिलीज़ करने के बाद देन बिग बॉस से इसको कॉल आ गया, नहीं वो इनसाइड. हाँ, बाहर आने के बाद मैंने इसको कॉल किया, यार ये सही टाइम है, एक डेब्यू करते हैं एक्टिंग का, ऑलरेडी सारे फैंस तुम्हारा वेट कर रहे हैं. तो बोला दादा चलो करते हैं. फिर मैडम ने भी बहुत सपोर्ट किया, देन वी प्लान इट, एंड देन आप देख ही रहे हो गाना कितना अच्छा शूट हुआ. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. ऑब्वियसली आई एम सुपर एक्साइटेड, एंड दिस इज माय फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग, सो डेफिनेटली. और इट्स अबाउट गुड फीडबैक, एक्चुअली आई गॉट गुड फीडबैक आल्सो एंड बैड फीडबैक आल्सो, बट बैड फीडबैक इज नॉट एक्चुअली बैड. वहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और जैसे आप अपने आप को इन्हांस करते हो. मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर यू नो जान टू प्रेजेंट द सॉन्ग. इन्होंने बहुत अच्छा गाया, एंड दे आर लुकिंग सो फैबुलस इन द वीडियो. मतलब सिंगिंग के साथ इन्होंने एक्टिंग भी इतनी अच्छी की, आप दोनों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, एंड द सॉन्ग इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई थिंक इट्स गोना टच मिलियंस एंड बिलियंस वेरी वेरी सून. एंड माई बेस्ट विशेज, एंड बहुत ही अच्छा सर आपने बनाया है. सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम, एंड जान इज द फ्यूचर 2021 मेरे भाई का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप पूरे जान की जानी में साथ रहे हैं, गाना लॉन्च हो रहा है, आपकी बहुत मेहनत रही है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी. जान इज अ गुड सिंगर, हैप्पी इज़ अ गुड सिंगर. इसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया. बचपन से इसने खुद सपना देखा तो उनको एक सिंगर बनना है. मेरे और दो बेटे ने, दे आर ऑल्सो वेरी गुड म्यूजिशियंस, बट दे आर नॉट इन दिस प्रोफेशन. जान का सपना था कि वो सिंगर बनेगा, एंड ट्रस्ट मी, उसने अपने आप फीडर बॉटल मुँह में ले के ही स्टार्टेड. जान का गुरु जी भी इधर है, उनके साथ बैठ के ना यू हारमोनियम के ऊपर बैठ के जान यूज़ टू सिंग. एंड तब से जान ने शुरू किया स्लोली स्लोली. आई वॉज बिजी विद माई अदर टू सन्स, दे आर इन वेरी मच एजुकेशन इन जान इज ऑल्सो. देन मैंने फील किया कि जान इज सीरियसली इज इन टू सिंगिंग. जान ने खुद ऑर्गन बजाना शुरू किया, खुद गिटार बजाना शुरू किया, खुद गाना गाना शुरू किया, एंड ही वॉज अ गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड देखते 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 यस आज इधर पहुँच गया. एंड देन इन द मिडिल बिग बॉस केम. जब बिग बॉस आया तब जान, इसको बहुत बड़ा करके बोलना नहीं चाहूँगी, जान ने बहुत बहुत स्ट्रगल किया फिल्म इंडस्ट्री.
मैं देखती थी रोज घर में बैठ के जान यूज़ टू गो, एक छोटा सा मुंह बना के वापस आता था एवरी डे एवरी वेयर एंड देन मुझे लगता था आई टू फील वेरी हेल्पलेस ट्रस्ट मी, ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ जान के लिए. मैं भी कभी कभी कोई कोई जगह में गई हूँ. देन नीरज जी, थैंक यू सो मच नीरज जी ने जान को बहुत अच्छा गाना दिया. एंड आफ्टर नीरज जी ब्रेक देने के बाद जान का बिग बॉस से ऑफर है. एंड तब मुझे लगा था कि दिस इज द राइट प्लेस टू गो बिकॉज जान के लिए और कुछ नहीं था. तब मैंने सडनली जान ने बोला आई विल नॉट गो. मैंने जान को चल के दिखाई थी कि जान इफ यू आर वॉकिंग विद टू अदर वन पीपल बोथ आर वॉकिंग द सेम वे यू हैव टू गिव इट जान देन ओनली यू कैन रीच देयर. मैंने जान को खुद चल के दिखाई थी एंड इट वॉज वेरी यू नो तकलीफ था बहुत की जान को वेयर आई एम सेंडिंग हिम आफ्टर नोइंग द फैक्ट ऑफ बिग बॉस इट इज़ वेरी टफ बट इट्स अ ह्यूज यू नो गेट यू गेट अ ह्यूज प्लेटफॉर्म इट्स अ ह्यूज पॉपुलरिटी एंड देन जान बिग बॉस गया एंड आई एम एवर एवर ग्रेटफुल टू बिग बॉस. पंकज जी इज़ द वन जो लेके गए जान को मिस्टर पंकज बगरेचा एंड देन जान का गाने को सब ने तारीफ किया. दैट वॉज माई ओनली थिंग टू यू नो टू नो कि जान कैसे गा रहे हैं एंड जान का गाने को देश ने सब ने लाइक किया. मैं जान का हर एक कॉमेंट्स पढ़ती रहती हूँ कि जान कैसे लग रहे हैं जान कैसे एक्टिंग किया है सब ठीक है बट जान हैज़ टू सिंग वेरी वेल. इसके बीच में जब जान बहुत सिंसियरली गाना गाना शुरू किया दैट टाइम मुझे जतिन ललित जी के पास मैं गई थी ललित जी के पास. थैंक्स टू ललित जी. ललित जी ने मुझे जान की गुरु जी के पास भेजा. आई एम एवर ग्रेटफुल टू मिस्टर रतन मोहन शर्मा जी. इधर ही है गुरु जी, प्लीज़ कम प्लीज़. इनके पास जान ने गाना शुरू किया एंड इनके साथ बैठ के सुबह आई थिंक 5 o'clock जाके यू नो इट वॉज मोर देन सिंगिंग इट वॉज लाइक मेडिटेशन. मैं इनके पास जान को छोड़ के आई थी एंड आप लोग के सामने आती है जान. थैंक यू. मैं यही कहना चाहूँगा कि जान बहुत मेहनती लड़का है और मेरे पास आता है तो कम से कम 4 से 5 घंटे वहीं पर रियाज ही करता रहता है. और ये जो जितना मेहनत कर रहा है तो उसके अनुसार तो ये इसको इतना अच्छा गाना ही चाहिए. मेरा तो हिसाब है कि जब आप मेहनत करते हो तो बढ़िया गाओगे ही गाओगे. और मैं जान को बहुत आशीर्वाद देता हूँ और सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा गाए और हम सबका नाम करें. यस यस थैंक यू. मैं आई थिंक आई वुड डेडिकेट दिस वन स्पेशली टू ऑल द फैंस. मेरे जितने फैंस हैं जो कपल फैंस हैं सिंगल फैंस हैं सबको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा ये बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग एंड इट्स अ पेनफुली रोमांटिक सॉन्ग. सो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी एंड आगाज टू ऑल ऑफ माई लविंग फैंस एंड थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स एंड द लव. दिस सॉन्ग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू. दीदी डन. ओके थैंक्स. थैंक यू.